Hi, this is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 2 of exercise 8.2, page number 187 of NCERT. Choose the correct option and justify your answer. So this is MCQ. आपको मेरे इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके दिखाना है बिकॉज दिस इज जस्टिफिकेशन चाहिए. सिंस सो साइन 2a इज इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a का क्या वैल्यू हो इन चारों में से खुदानी स्टेटमेंट ये एलएचएस आंसर स्टेटमेंट है. सो अगर हम इसको कुछ भी रखें 30 45 60 इन तीनों में से अगर हम इसका 30 रखते तो ये मल्टीप्लाई करके 60 बन जाता. लेकिन साइन 30 का वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या वो साइन 60 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा. सो अगर मैं इसको 0 रखती हूँ फर्स्ट पार्ट में ट्राई करके देखते हैं तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इज 0. सो साइन 2 a इज 0 डिग्री 2 इंटू साइन 0 डिग्री 2 इंटू 0 इज 0 डिग्री. साइन 0 का वैल्यू 0 होता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 2 इंटू 0 इज 0. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 0 डिग्री. आई रियली वांट थिंग 30 40 वगैरह पे क्यों पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसको 30 पुट कर दो तो साइन 2 बन जाता है साइन 60 साइन 60 और 2 इंटू साइन ए रहेगा साइन 30. साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाय 2 साइन 30 का वैल्यू 2 इंटू 1 बाय 2. तो क्या रूट 3 बाय 2 इज 1 के इक्वल है. नॉट पॉसिबल. आप किसी भी वैल्यू में ट्राई करके देखोगे वहां पर ऐसे ही बनेगा. तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक वैल्यू 60 है और एक वैल्यू पे आप 30 साइन 30 की वैल्यू पर ट्वाइस कर रहे हो वो 60 के इक्वल नहीं आ सकता. सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड पार्ट tan 30 upon 1 minus tan square 30 is what? हमें वैल्यू निकालना है. So tan 30 is 1 by root 3. 2 into tan 30 is 2 into 1 by root 3 upon 1 minus tan square 30. So 1 minus 1 by root 3 का whole square. So 2 under 2 upon root 3 upon 1 minus 1 by 3. तो ये बन जाएगा 2 by root 3 upon p माइनस 1 बाय 3. इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 बाय रूट 3 अपॉन p माइनस 1 इज 2. सो 2 बाय रूट 2 बाय 3 ये बन गया 2 बाय रूट 3 इंटू रेसिप्रोकल कर दिया इस वाले को ये 2 बाय रूट 3 है जाके बन गया 3 बाय 3. सो यहां से 2 से 2 कैंसिल रूट 3 जब 3 को कट करेगा तो बचेगा रूट 3. सो रूट 3 इज द आंसर. cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाय 2 sin 60 रूट 3 बाय 2 tan 60 होता है रूट 3. सो tan 60 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ आपको वो टेबल अच्छे से आनी चाहिए. वो टेबल को जिस आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं और उसको वैल्यूज जब सॉल्व करते हो उसको बोर्ड में अप्लाई करने का. So if you have any doubt, please do write to us. Just teacher space given hai, usme likhiye and do subscribe us. Goodbye.